आज हम बनाने वाले हैं वेज बिरयानी, वो भी नॉर्मल स्टाइल में। तो यहाँ पे हमने ले लिया है वेजिटेबल, जिसमें है बीन्स, मटर, टमाटर, प्याज और मिर्चाई, धनिया। हमने यहाँ पे इसको चॉप कर लिया और यहाँ पे हमने कुछ मसाले भी लिए हैं, जिसमें है अदरक, जीरा और जिंदा गरम मसाला। यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करेंगे, जो भी है हमने जो दिखाया वही बनाएंगे। और इसे कोई भी अपने घर पे नॉर्मल बना सकता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है कुकर, और यहाँ पे कोई भी अपने घर पे नॉर्मल स्टाइल में बना सकता है। आप भी ट्राई करें, बहुत टेस्टी। फ्लेम को हाई फ्लेम पे सेट किया है, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। अब यहाँ हमारा ऑयल हो चुका है गरम, तब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। हमने अदरक कुछ रखा था, अदरक डालेंगे, जीरा डालेंगे और खड़ा गरम मसाला डालेंगे। तो यहाँ हमारा जीरा हो चुका है रेड, अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो हमने इसमें बाकी के मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें है अदरक कुचा हुआ और खड़े गरम मसाले। अब इसमें ऐड करेंगे हम वो वेजिटेबल जिन्हें हमने चॉप कर रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आनियन। हम इस ओनियन को 5 मिनट भून लेंगे, जब तक ये सुनहरा कलर नहीं छोड़ देता। अभी हो चुका है सुनहरा कलर, तो अब इसमें हम बाकी के वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो मिसेस खान इसमें अब ऐड करेंगी विंस, मटर, अब थोड़ा सा चला लेंगी। देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर ऑनियन है जो छोड़ चुका है। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मिसेस खान मटर ऐड कर रही हैं। अब इसमें हम टमाटो ऐड करेंगे, यानी हमारा देसी टमाटर। मिसेस खान मिर्ची भी डाल रही हैं। उतना तीखा नहीं है, नॉर्मल है, पर तीखा तो है। बाकी का जो ये हमारा धनिया है, इसे हम बाद में ऐड करेंगे। आइए, देख सकते हो अभी वेजिटेबल थोड़ा सा अभी अच्छे से वो नहीं फ्राई नहीं हुआ, तो हमको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एकदम अच्छे से मिसेस खान चला रही हैं। अच्छा, इसमें अब नमक ऐड करना है आपको। कीजिए, नमक ऐड कीजिए। आप इसमें नमक कितना डाल रही हैं? 2 चम्मच। तो मिसेस खान 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हैं। अब हम इस नमक को इसमें डालेंगे। नमक हमने अभी इसलिए ऐड किया है इसमें कि जितने वेजिटेबल है उसमें नमक अच्छे से ऐड हो जाए और वो नमकीन हो जाए, क्योंकि जब हम राइस डालेंगे तो उसका भी टेस्ट आना चाहिए, नहीं तो अगर नमक हम बाद में ऐड करते तो उसका फीकापन रह जाता है। अब ये जब तक फ्राई हो रहा है हम वेट करेंगे। तो मिसेस खान, इसको कितने देर हम फ्राई करेंगे? 10 मिनट। ओके, आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, पर हमने इसमें आलू ऐड नहीं किया है। अब ये लगभग हो चुका है, तो हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें
क्या ऐड करेंगे मिसेस खान? हम इसमें ऐड करेंगे राइस। तो मिसेस खान चेक कर रही हैं कि सब्जी अच्छे से पका है या नहीं पका है। अभी ये सब्जी अच्छे से पकी नहीं है, तो अभी थोड़ी देर हम और चलाएंगे। अब हमारे वेजिटेबल अच्छे से पक चुके हैं, तो अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइस जो है वो ऐड हो चुका है, तो हम इसको थोड़ी देर चलाएंगे। इस वेजिटेबल के साथ इस राइस को हम 5 मिनट भून लेंगे, बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। बड़े ही नॉर्मल स्टाइल में मिसेस खान ने ये बिरयानी बनाया है, आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। वैसे ये है भी बहुत दिख भी रहा है, बहुत टेस्टी है। इसका कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही बफ को भी बहुत अच्छा कलर छोड़ चुका है। तो अब मिसेस खान इसमें अब वाटर ऐड करेंगी। एक गिलास में मिसेस खान वाटर ऐड करेंगी और अच्छे से इसको चला के फिर कुकर का ढक्कन लगा के बंद कर देंगे, और इसमें एक सीटी लगेगा और ये रेडी हो जाएगा। ये अब इसमें हम ढक्कन लगाएंगे कुकर का, और एक सीटी होने तक हम इसको ढक्कन लगा रहेगा। हम इस कुकर को खोलेंगे। वाह, क्या बिरयानी का कलर आया है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत कलर आया है। वाह, इसमें अभी हम फूड कलर ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने येलो कलर ऐड किया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डाला है। अब इसमें ऐड करेंगे रेड वाला जो फूड कलर लिया था। आपकी मर्जी, आप डालें या ना डालें, फिर भी वैसे बिरयानी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। फिर मिसेस खान ने ऐड कर दिया कि और भी खूबसूरत दिखे। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, प्लेट में निकाल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हमने प्लेट में निकाल लिया है, देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर और अच्छा दिख रहा है, और बहुत ही टेस्टी भी बना है। आप भी अपने घर पे इसे ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।